वो कहते हैं ना, फीफा एंड स्कैंडल्स गो हैंड इन ग्लव। अब पहले ही मेजबान टीम को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अनगिनत स्कैंडल्स और विवादों को पार करना पड़ा है। कुछ आरोप कतर के विश्व कप की बोली जीतने के लिए रिश्वत देने और उनके माइग्रेंट वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स के दुरुपयोग के आरोपों के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब अरब देश अपने विश्व कप ओपनर से पहले खुद को एक और ताजा घोटाले में फंसा हुआ पाता नजर आ रहा है। रणनीतिक राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और सऊदी अरब में ब्रिटिश केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक अमजद ताहा के अनुसार कतर ने ओपनर को हारने के लिए इक्वेडर के 8 खिलाड़ियों को $7.4 मिलियन की रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि उनके सोर्सेस कतर और इक्वेडर कैंप्स के इनसाइडर थे एंड ऑल्सो अर्ज द वर्ल्ड टू फाइट फीफा करप्शन। एनीवे, आज से शुरू होगा फीफा वर्ल्ड कप का धमाल। 29 देशों में होंगे 64 मुकाबले। पहला मैच मेजबान कतर और इक्वेडर के बीच खेला जाएगा और 18 दिसंबर को फुटबॉल वर्ल्ड को एक नया चैंपियन मिलेगा। 12 साल बाद एक से ज्यादा एशियाई टीम के पास दूसरे दौर में जगह बनाने का मौका होगा। कौन सी टीम किस ग्रुप में? ग्रुप ए कतर इक्वेडर सेनेगल नेदरलैंड्स, ग्रुप बी इंग्लैंड ईरान यूएस वेल्श, ग्रुप सी अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया मेक्सिको पोलैंड, ग्रुप डी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क ट्यूनिशिया, ग्रुप ई स्पेन कोस्टारिका जर्मनी जापान, ग्रुप एफ बेल्जियम कनाडा मोरक्को क्रोएशिया, ग्रुप जी ब्राजील सर्बिया स्विट्जरलैंड कैमरून, ग्रुप एच पोर्चुगल घाना उरुग्वे कोरिया रिपब्लिक। कहां कहां खेले जाएंगे मुकाबले? ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 92 साल बाद इतिहास में पहली बार 6 एशियाई टीम विश्व कप खेलेगी। इससे पहले सिर्फ कोरिया एक ऐसा एशियाई देश है जो सेमीफाइनल में पहुंचा है। कोरिया 2002 में सेमीफाइनल में पहुंचा और उत्तर कोरिया 1966 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच सका है। 2002 और 10 के दो ही ऐसे विश्व कप रहे हैं जब दो एशियाई टीमों ने एक साथ दूसरे दौर में जगह बनाई। 12 साल बाद एक से ज्यादा एशियाई टीमों के पास दूसरे दौर में जगह बनाने का मौका होगा। इसमें जो एशिया से 6 टीमें हैं उनमें भारत का नाम तो नहीं है, इसके बावजूद भारत में फुटबॉल के लाखों फैंस हैं। खैर, फीफा इज बिगिनिंग एंड सबको इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।